सो है गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम स्टोरी सीक्रेटली कौन कौन देखता है, हाउ टू नो हु सी माई इंस्टाग्राम स्टोरी सीक्रेटली, मतलब कि आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी है वो सीक्रेटली कौन कौन देखता है और आपको व्यूज नहीं आता। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि कोई स्टोरी आप डालते हो तो गाइस, यहाँ पर आप स्टोरी डालते हो तो स्टोरी को देखते हैं तो जो भी देखते हैं वो आते हैं, लेकिन अगर कोई भी बंदा या बंदी आपकी स्टोरी सीक्रेटली देखता है और आपको पता ही नहीं चलता है तो कौन कौन देखता है, उसे कैसे पकड़ सकते हो, उसे कैसे देख सकते हो, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइज़ वीडियो को एंड तक देखना, और गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने इंस्टाग्राम पर जाना है और अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करके इस तरीके का आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि थ्री लाइन पर क्लिक कर देना, थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टोरी, तो गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टोरी, स्टोरी सर्च कर लेने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है कि क्लोज फ्रेंड वाले जो ऑप्शन आया आपको, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मतलब कि जिस बंदे पर आपको शक है कि ये मेरी स्टोरी सीक्रेटली देखता है या देखती है, तो गाइस कोई भी बंदा या बंदी हो सकती है, तो गाइस यहाँ पर सीक्रेटली कोई भी बंदा या बंदी देखता है या देखती है, तो गाइस उसे आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको मतलब कि उस बंदे को आपको मतलब कि यहाँ पर क्लोज फ्रेंड में ऐड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर क्लोज फ्रेंड में उस बंदे को ऐड कर लेना है, फिर बाद में आपको क्या करना है कि इस हाइड फ्रॉम स्टोरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस बंदे या बंदी को स्टोरी मतलब कि जिस जो भी आपको शक है उस मतलब कि आपको उस पर शक है कि ये अपनी स्टोरी मतलब कि देख सकता है सीक्रेटली, तो गाइस उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से जैसे कि इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, मतलब उसे हाइड कर लेनी है अपनी स्टोरी और क्लोज फ्रेंड में उसे ऐड कर देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद यहाँ पर उस बंदे की आईडी मतलब कि सर्च कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, फिर बाद में यहाँ पर आपको मतलब इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके मतलब मैसेज और वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो गाइस इससे आ जाएगा, फिर बाद में यहाँ पर आपको उसको देखते रहना है, देखते रहना है। अगर वो गाइस एक्टिव आता है, मतलब कि वो बंदा एक्टिव आता है, एक्टिव आपको दिखता है, तो गाइस फिर बाद में आपको क्या करना है, मैं एक बार पहले ही बता दूं गाइस, यहाँ पर आप स्टोरी देखते हो ना, तो गाइस इस बंदे की स्टोरी देखी है, इस जैसे ही अपन देखते जाते हैं तो आगे आगे स्टोरी ऑटोमेटिक खुलती मतलब आती जाती है। तो गाइस फिर बाद में मतलब कि उसको एक्टिव देखा, तो गाइस फिर बाद में आपको यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, और गाइस यहाँ पर प्राइवेसी में जाकर स्टोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो गाइस उसे मतलब उस बंदे को यहाँ से हाइड से स्टोरी निकाल देनी है, हाइट से उसे अनलिंक मतलब अन उससे निकाल देना है, हाइट उससे हटा देनी है और वो क्लोज फ्रेंड में ऐड है। तो गाइस फिर बाद में यहाँ पर वो अगर बंदा आपकी स्टोरी देखेगा तो गाइस आपको पता चल जाएगा और आपके वहाँ पर व्यूज़ आ जाएंगे। तो गाइस ये वीडियो किस लगी, वीडियो नॉलेजफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।